गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनी नंदा, योर SST टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग SST में चैप्टर नंबर 12 कैटल वेल्थ, पशु धन, पेज नंबर है 58 रीड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंस द ओल्डन टाइम्स, पुराने समय से एनिमल्स हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए बहुत मददगार रहे हैं। ठीक है, पुराने समय से एनिमल्स जो भी हैं, जितने भी, वो मानव के लिए, मनुष्य के बहुत हेल्पफुल रहे हैं, मददगार रहे हैं। दे आर टेम्ड, टेम्ड का मतलब होता है पालतू या पालना, उन्हें पाला जाता है। एंड डोमेस्टिकेटेड फॉर वेरियस पर्पजेस, और घरेलू कामों के लिए, कई उद्देश्यों के लिए उन्हें पाला जाता है। एनिमल्स लाइक बुफेलोज, शीप, गोट्स, काउज आर सोर्सेज ऑफ मिल्क एंड रॉ मटेरियल सच एज वूल, बोन्स एंड लेदर। जानवर जैसे कि भैंस, भेड़, बकरी, गाय दूध के स्रोत हैं, इनसे दूध प्राप्त होता है। एंड रॉ मटेरियल कच्चा माल सच एज, जैसे कि ऊन, हड्डियाँ और लेदर, चमड़ा। ऑक्सन आर यूज टू प्लव फील्ड्स, प्लव फील्ड्स का मतलब क्या होता है, खेतों को जोतना, खोदना। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना, ऑक्सन मतलब बैल, बैलों का प्रयोग किया जाता है खेतों को जोतने के लिए। बुल्लॉक्स ड्राइव कार्ट्स इन द रूरल एरियाज, रूरल एरियाज का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र, गाँव में बुल्लॉक बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। सो एनिमल्स हैव बीन अवर फ्रेंड्स, इसलिए क्या है, एनिमल्स क्या है, हमारे दोस्त हैं, दोस्त रहे हैं हमेशा से। इंडिया, भारत, मेनली बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। कैटल आर ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर द फार्मर्स, और पशुओं का किसानों के लिए बहुत महत्व है। ऑक्सन लेवल एंड प्लस द फील्ड्स, जो ऑक्सन है, बैल है, वो क्या करते हैं, खेतों को समतल बनाते हैं और उनको जोतने में प्रयोग किया जाता है। दे आर यूज टू टर्न द पर्सियन व्हील और रहट टू ब्रिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल फॉर इरीगेशन ऑफ फील्ड्स, खेतों में सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए हम बैलों को और किस प्रयोग में लाते हैं, पर्सियन व्हील या रहट होता है उसको, उससे पानी, कुओं में से पानी निकालने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ऑक्सन आर यूज टू पुल द कार्ट्स टू कैरी फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्म्स टू द मार्केट, फार्म से लेकर बाजार तक हमें जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं, खाद्यान्न होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको ले जाने के लिए हम बैलों का प्रयोग करते हैं, गाड़ी में लगा कर, उसको बैलगाड़ी बना लेते हैं ना, उसके द्वारा बैलगाड़ी में जो भी हमारा, हम प्रोड्यूस करते हैं उसको मार्केट तक ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय द अर्ली मैन, कि जो कुत्ता था वो पहला पालतू जानवर था जो कि आदिमानव के द्वारा या मनुष्य के द्वारा फर्स्ट पालतू जानवर था। ठीक है, अभी भी है, घरों में पालते हैं ना। द डंग ऑफ काउज, ऑक्सन, बुल्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स इन विलेजेस, गाय, बैल और बुल, ये सांड, उनके क्या होते हैं, डंग, डंग मतलब होता है गोबर। ठीक है, उनके गोबर को हम लोग गांव में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। These are also used as manure to increase the fertility of soil. इनका प्रयोग मिट्टी को और अधिक उपजाऊ या उसकी उपजाऊता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। This manure is called organic fertilizer. और इस manure को हम क्या कहते हैं, जैविक या फिर प्राकृतिक खाद कह सकते हैं। ठीक है, These days the dung of animals is used to produce biogas. इन दिनों एनिमल्स का जो गोबर होता है उसका प्रयोग हम लोग बायोगैस बनाने के लिए करते हैं, और इस बायोगैस का उपयोग कहाँ होता है, दिस बायोगैस इज यूज टू कुक फूड एंड लाइट लैम्प्स इन द विलेजेस, गांव में लाइट जलाने के लिए और खाना बनाने के लिए बायोगैस का प्रयोग होता है। द स्किन ऑफ द एनिमल्स आर यूज टू मेक वेरियस थिंग्स, एनिमल्स की स्किन का भी प्रयोग करते हैं कई चीज़ें बनाने के लिए। The shawls, carpets, blankets and woolen clothes that we use during the winter season are made from the hair of the sheep, goat and camel. भेड़, बकरी और ऊँट के जो बाल होते हैं उससे बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम सर्दियों में, सर्दी के मौसम में यूज़ करते हैं, जैसे कि शॉल, कारपेट, कंबल और ऊनी कपड़े बनाते हैं, बनाने में प्रयोग करते हैं। Hooves and horns of some animals are used to make buttons, combs,
glue and various other things. Hoofs or horns. Horn मतलब सींग और hoofs का मतलब होता है खुर. ठीक है, कुछ जानवरों के hoofs और horns, खुर और सींग का भी प्रयोग हम लोग बटन बनाने के लिए, कंघी बनाने के लिए, ग्लू और कई चीज़ें बनाने के लिए करते हैं. वी गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स लाइक काउज एंड बुफेलोज. अब हमें दूध गाय और भैंस से दूध प्राप्त होता है. इन सम प्लेसेस पीपल ड्रिंक मिल्क ऑफ गोट्स एंड शीप. कुछ स्थानों पर लोग जो हैं वो बकरी और भेड़ का दूध भी पीते हैं, यूज़ करते हैं उसका भी. मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग बटर, कर्ड, चीज़ एंड स्वीट्स. दूध का प्रयोग हम लोग मक्खन, दही, चीज़ और मिठाई बनाने में करते हैं. मिल्क इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस. मिल्क जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है. अवर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी नेशनल लेवल प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाई यूजिंग द साइंटिफिक मैथड. हमारी सरकार ने कई राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, उनको बढ़ाया है, उनको शुरू किया है ताकि हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकें. किसके द्वारा? कुछ वैज्ञानिक तरीकों को अपना कर. ठीक है, दी वाइट रेवोल्यूशन और दी ऑपरेशन फ्लड इन वन सच प्रोग्राम. तो गवर्नमेंट ने जो नेशनल लेवल पर मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाए हैं, शुरू किए हैं, उनमें से वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति कह लें, या फिर ऑपरेशन फ्लड के उनमें से एक इनके नाम हैं उन प्रोग्राम्स के. दिस मूवमेंट रेवोल्यूशनाइज्ड द डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग को इस आंदोलन से बहुत मदद हुई है या उसमें क्रांति ला दी है. ठीक है, जो ये कार्यक्रम चलाया है उसने डेयरी फार्मिंग में बहुत बड़ी क्रांति ला दी है. डू यू नो वाइट रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड एट आनंद इन गुजरात. जो वाइट रेवोल्यूशन है, श्वेत क्रांति है, वो सबसे पहले गुजरात में आनंद जगह का नाम है, वहाँ से शुरू हुई. आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू.